नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक MS आभूषण भंडार एवं MS मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़। हमारे यहां भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750 833 916 होलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहां 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहां जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ BRD इंटर कॉलेज के सामने MS मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 7074 84208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 7098020824। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की वजह से बहुतों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जिससे उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा पथ विक्रेताओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। इसी क्रम में नगर पंचायत महाराजगंज में भी पथ विक्रेताओं की सहायता के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी। TV20 न्यूज संवाददाता राजनारायण मिश्र से बातचीत में अधिशासी अधिकारी गुंजन कुमार ने बताया कि योजना के तहत पात्र पथ विक्रेताओं की सूची तैयार कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देश के अनुपालन में आज 20 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। उन्होंने भी बताया कि इस योजना के तहत 10,000 रुपये की मदद दी जाएगी, जिसके लिए नगर पंचायत की तरफ से एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिस पर इनको मदद दी जाएगी। सर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक चलाई जा रही है, जिसमें जो पथ विक्रेता है उनको लाभ देने का प्रावधान है। इसमें नगर पंचायत क्या कर रही है? नगर पंचायत इसमें निदेशालय से नगर पंचायत महाराजगंज का 135 का लक्ष्य दिया गया है कि 135 लोगों का ऑनलाइन करा के इनको लोन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए, जिसके सापेक्ष कल तक 38 लोगों के फॉर्म ऑनलाइन करा दिए गए थे। आज सुबह जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के द्वारा नगर पंचायत महाराजगंज में 20 लोगों को लक्ष्य दिया गया है कि 20 पथ विक्रेताओं के फॉर्म ऑनलाइन करा दिए जाएं। इस क्रम में नगर पंचायत महाराजगंज में अभी ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया चल रही है। सामने जो पथ विक्रेता हैं आके अपने फॉर्म को भरवा रहे हैं और ऑनलाइन कराया जा रहा है। सर, इसमें कितनी धनराशि दी जा रही है? इसमें धनराशि 10,000 रुपये का लोन, आसान किस्तों में लोन का प्रावधान है। इसमें कोई गारंटी वगैरह बैंक के ले रही है या यहाँ से उनको एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है? जैसे यही प्रमाण पत्र पथ विक्रेताओं को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है यहाँ से, और उनके आई कार्ड इश्यू किए जा रहे हैं, उस आधार पे बैंक इनको 10,000 रुपये की लोन की प्रक्रिया प्रारंभ।